हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने पर होने वाले नुकसान के बारे में, यानी कि ड्रॉबैक्स ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। इनिशियली जब कॉम्पोजिशन स्कीम आई थी तो गवर्नमेंट का एम यही था कि जो हमारे छोटे टैक्स पेयर्स हैं जिनकी टर्नओवर काफ़ी कम रहती है, उन्हें काफ़ी लीगल फॉर्मेलिटीज ना करनी पड़े, ज़्यादा रिटर्न्स ना फाइल करने पड़े, उनका बिजनेस काफ़ी स्मूथ और ईजी रहे। लेकिन अगर हम सेक्शन 10 जो कि कवर करता है कॉम्पोजिशन स्कीम को, अगर हम उसे ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी हैं अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी सुविधाओं से आपको वंचित रहना पड़ेगा अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जाते हैं। तो अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में जाने का मन बना रहे हैं तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि क्या क्या सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी अगर आप इस स्कीम के अंदर ऑप्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम में जाने के क्या ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक है कि आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आप सेल परचेज इंटर स्टेट नहीं कर सकते, आपको इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन अलाउड है। तो वहाँ पर आपका बिजनेस थोड़ा सा बाउंड्री में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि आप सिर्फ सेम स्टेट के अंदर ही ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि हम अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपैंड कर लें और दूसरे स्टेट्स में भी सेल करने लगें तो वो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ली हुई है। दूसरा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले सकते। इनिशियली जब एक्ट आया था तो उसका मोटिव यही था कि डबल टैक्सेशन को ख़त्म किया जाए और जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम में इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ना देकर उस मोटो को ही ख़त्म कर दिया गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ना देने से आपका टैक्स बढ़ता जाता है और इनिशियली जब प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुँचता है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है क्योंकि यहाँ पर इनपुट का क्रेडिट नहीं मिल रहा है। कोई भी कॉम्पोजिशन डीलर जिसने कि कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट किया हुआ है, अगर वो कोई परचेज करता है किसी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन से तो परचेज का जो ITC है उसको कॉम्पोजिशन डीलर क्लेम नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी कॉम्पोजिशन डीलर से कोई परचेज करता है तो वो व्यक्ति इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं ले सकता। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको ITC का बेनिफिट नहीं मिलता है अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट करेंगे। इसके बाद है कलेक्शन ऑफ टैक्स इज नॉट अलाउड। जो भी कॉम्पोजिशन डीलर्स हैं वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। इस वजह से वो बायर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते और उनको अपनी पॉकेट से अलग से टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए टैक्स रेट्स काफ़ी कम रखे गए हैं, 5% रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए है और अगर आप मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हैं तो फिर सिर्फ 1% का टैक्स है। लेकिन वो टैक्स आप कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते, बायर से कलेक्ट नहीं कर सकते, आपको अपनी पॉकेट से पे करना होता है। तो कॉम्पोजिशन डीलर के लिए ये भी एक ड्रॉबैक है कि उसको टैक्स अपनी पॉकेट से पे करना है, वो कलेक्ट नहीं कर सकता सामने वाले पर्सन से। देन सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट कवर्ड। अगर आप सर्विसेज की सप्लाई करना चाहते हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए है। अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट किया हुआ है और इन द मीन टाइम आप गुड्स के साथ साथ सर्विसेज की भी सप्लाई स्टार्ट कर देते हैं तो आपको एज अ रेगुलर टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और कॉम्पोजिशन स्कीम से विदड्रॉ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नॉन एलिजिबिलिटी टू सप्लाई एग्जेम्प्ट गुड्स। तो जो भी कॉम्पोजिशन डीलर्स हैं वो एग्जेम्प्ट गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद है नॉन एलिजिबिलिटी टू सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दें, किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए अपने गुड्स की सप्लाई स्टार्ट कर दें तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर ऑप्ट किया हुआ है। तो ये भी एक यहाँ पर ड्रॉबैक है कि आप ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू अपने गुड्स की सप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हैवी पीनल प्रोविजंस। काफ़ी हैवी पीनल प्रोविजंस दिए गए हैं अगर आप गलती से कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लेते हैं। अगर आप कोई भी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने लगते हैं जो कि सेक्शन 10 के अंदर कवर नहीं होती हैं, अगर आपने गलती से रजिस्ट्रेशन करवा लिया कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर जबकि आप एलिजिबल नहीं थे कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, इन सारी कंडीशंस में काफ़ी हैवी पीनल प्रोविजंस हैं। जो भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट करती हैं, ज़्यादातर उन लोगों को लॉ की ज़्यादा जानकारी नहीं होती, एक्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, इसलिए पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं कि वो गलती कर जाए कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने में। तो अगर आपने गलती से कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर दिया तो आपको काफ़ी हैवी पेनल्टीज देनी पड़ सकती हैं।
अगर आपसे इस तरह की कोई मिस्टेक हो गई तो आपको टर्नओवर का कुछ परसेंटेज एज अ टैक्स भरना पड़ेगा और साथ ही 100% ऑफ टैक्स की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो कि क्या ड्रॉबैक्स हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में। होप कि नेक्स्ट टाइम जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट करेंगे तो एक बार ज़रूर जान लेंगे कि आपको किन किन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ सकता है अगर आप इस स्कीम में ऑप्ट करते हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।